350 क्लासिक बुलेट जो नया उत्तर में नया इंजन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आया है। तो इस बुलेट के बारे में आप सबको मैं इसका रिव्यू करके बताता हूँ। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं इसकी चाबी से। इस तरीके से इसकी चाबी है, तो आप देख सकते हो तो किस तरीके से इसकी चाबी है। तो बहुत ही यूनिक सी और प्यारी सी लग रही है जो पहले के मुकाबले। तो अभी हम इसको गाड़ी में लगा के इसका स्पीडोमीटर और एनालॉग के बारे में आपको रिव्यू करके बताता हूँ। तो कैसे यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है, तो हम इसमें इग्निशन में उसका चाबी लगा के देखते हैं तो गाड़ी में नया क्या क्या आया और पुराने के मुकाबले गाड़ी की नई कैसी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही उसका जो स्पीडोमीटर का स्वाइप मारता है और इसमें आप देख सकते हो तो ऑडोमीटर फ्यूल गज आ गया है और इको जो सर्विस का अभी रिमाइंड भी दिखा रहा है के सर्विस इस गाड़ी का सर्विस है। न्यूटन की लाइट है, यहाँ पे बैटरी का इग्निशन आ गया, ABS की नोटिफिकेशन आ जाती है। इसमें इंजन भी कोई भी मेल फंक्शन में जो भी सिस्टम खराबी आते तो यहाँ पे ये उसका भी लाइट है और इंडिकेटर का साइन यहाँ पे आ गया दोनों तरफ से और हाई बीम का। आपने देखा इसका स्पीडोमीटर कैसा था और स्पीडो कंट्रोल कैसा था, जो आप हमें जो बुलेट में चाहिए था वो सब कुछ दे दिया। अभी जो पहले के मुकाबले इसमें तो अभी अच्छा ही है, ऑडोमीटर फ्यूल गेज दे दिया है, ट्रिप मीटर दे दिया है और अभी न्यूटन का लाइट, इंजन किल स्विच का वो सब कुछ इसमें दे दिया है। तो अभी हम बात करते हैं गाड़ी का ऑल ओवर रिव्यू के बारे में। इस अभी आ जाते हैं इसके स्विचेस के बारे में। तो स्विचेस अभी आप देख सकते तो यहाँ पे ये पास लाइट है, यहाँ पे लाइट ऑन का है और ये हाई बीम का है। तो ये क्लासिक तरीके से इसका बटन दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। और अभी यहाँ पे ये इंडिकेटर का बटन है, ये हॉर्न का है, हॉर्न आपको सुना देता हूँ तो कितना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया हॉर्न है। और यहाँ पे इंजन किल स्विच का जो दे दिया है वो ऐसे ही क्लासिक लुक में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन किल स्विच ऑफ हो जाते हैं, यहाँ पे इंजन किल स्विच ऑन और यहाँ पे स्टार्टर का बटन। और यहाँ पे एक एडवांस फीचर दे दिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक और बटन है एक्स्ट्रा दे दिया जहाँ पे हम लाइट ऑन करते थे, यहाँ पे हजार्ड लाइट का ऑप्शन दे दिया जो हम रात के समय कहीं भी हाईवे पे यहाँ पे राइड करते हैं तो हमें क्या हजार्ड। तो इसकी टंकी के बारे में बात करते हैं तो ये 13 लीटर की टंकी है और ये इसके ऊपर जो कलर का पेंट किया हुआ है यहाँ पे पूरा क्रोम कलर का है और ये ब्राउन कलर का पूरा है, देखने में बहुत ही प्रीमियम और अच्छा लुक आता है। और ये हैंडमेड की हाथों से लाइनिंग खींची हुई है जो ये बुलेट रॉयल इनफील्ड की तरफ से बहुत ही बढ़िया है काम है। और ये आप अपनी गाड़ी को क्या प्रीमियस एक रॉयल पर्सनालिटी पड़ती है इसमें। तो ये गाड़ी पूरी तरीके से आप देख सकते हो इसका कलर कॉम्बिनेशन क्रोम में है, तो ब्राउन कलर और क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है वो। और बीच में टंकी में जो गोल्डन की लाइनिंग खींची हुई बहुत ही बढ़िया दिख रही है, आप देख सकते हो। तभी फ्रंट में आ जाते तो फ्रंट में यहाँ से शुरू करते तो इसके मिरर बहुत ही बढ़िया दिए गए हो, पूरे क्रोम कलर में है और लुक भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी इसके ये डिस्क ब्रेक की वो मास्टर सिलेंडर जिसमें ऑयल रहता है वो पूरा चेंज किया हुआ है और अलग ही तरीके से दिया हुआ है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर हेलोजन लाइट में है और उसका जो आगे का हेडलाइट है वो भी पूरा हेलोजन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड का लोगो है जो पूरा कंपनी की तरफ से आता है, तो उसकी लाइट भी बहुत ही बढ़िया दिखती है। और आप आगे आ जाते हैं उसके टायर की ओर, तो टायर इसका देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आगे डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में पूरा ABS भी। तो फ्रंट में इसमें आप देख सकते हो कि बाई ब्रेक के ब्रेक्स हैं। तो इसके टायर साइज़ की बात करें तो 190 है, 19 इंच का टायर है और स्पोक व्हील्स है ये। तो अभी आ जाते हैं पीछे की ओर, पीछे आ जाते हैं तो इसमें डबल स्प्रिंग वाले जंप है और इसमें बाई ब्रेक की ब्रेक्स हैं और पीछे भी ABS है, ये ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक है और इसमें
टायर की साइज़ बात करें तो इसमें 120 SC 18 इंच का टायर स्पोक व्हील है, हेडलाइट पूरा हेलोजन है और देखने में प्रीमियम लेस है, पूरा देखते हैं तो हेलोजन और इंडिकेटर भी हेलोजन है। और आप देख सकते हो तो सीट के बराबर नीचे ही इसका लाइट दिया हुआ है, तो देख बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीके से क्लासिक वाला लुक दिखता है। इसमें साड़ी गार्ड मिलती है, यहाँ पे कोई भी लेडीज़ बैठती है यहाँ पर पैर रखते हैं तो उसका साड़ी कोई भी टायर के अंदर आना चाहिए। और ये ओपन चेन सिस्टम है, ये ओपन चेन सिस्टम है तो हर 5 किलोमीटर पे आपको ये चेन अपना साफ करना पड़ेगा स्प्रे से। और यहाँ पे फुट रेस्ट देखे तो रबड़ के दिए हैं, रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी वही है रबड़ के। तो कंपनी ने इसमें यहाँ पे पकड़ने के लिए ग्रेप दोनों तरफ दिए है, पहली वाली बुलेट में एक ही तरफ आता था तो ये इस गाड़ी में दोनों तरफ दिए। और इसका सीट का जो कुशनिंग है बहुत ही बढ़िया, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, आप लॉन्ग राइड में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्रूज कर सकते हो। और ये क्रूजिंग बाइक ही है तो इसमें पहली वाली बुलेट में क्या था, यहाँ पे स्प्रिंग आती थी तो सीट के नीचे जो स्प्रिंग आती थी वो स्प्रिंग इसमें नहीं दी हुई, इसमें सीधा सीट लगाया हुआ और पीछे भी सीट लगाया। और उसका कुशनिंग बहुत ही बढ़िया अच्छा है, आप लॉन्ग राइड कभी कितने भी करो तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आप क्रूजिंग कर सकते हो। हैंडल आप नोटिस कर सकते हो तो जो पहली ओल्ड वाली बुलेट आती थी उसमें उसका हैंडल थोड़ा वाइड और नीचे आता था, इसमें उसका हैंडल थोड़ा ऊंचा कर दिया जो आपकी सिटिंग पोजीशन में अच्छा रहेगा और आपका आर्मरेस्ट अच्छा मिलेगा और आप लॉन्ग राइड भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इस गाड़ी नए इंजन के साथ नए अवतार में आई है तो आप देख सकते हो तो पूरी गाड़ी अलग दिख रही है, आगे से माचो लुक रहेगा। गाड़ी के इंजन के बारे में बात करो तो आप इसका इंजन पहले आप देख लो किस तरह से है, जो ओल्ड वाली बुलेट और ये नई वाली बुलेट में दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। एक जो साइलेंसर आप यहाँ से देख लो तो यहाँ पे बैंड होके यहाँ से जो सीधा फायरिंग जाता है, जो ओल्ड वाली में थम जो आता था वो इसमें थम नहीं आता। बहुत ही अच्छा गाड़ी है और ये वाइब्रेशन लेस आप चलाओगे तो जो पहली वाली बुलेट में जो वाइब्रेशन इतना फील होता था इसमें इतना फील नहीं होगा। और चलाने में बहुत ही स्मूथ बाइक है ये रॉयल इनफील्ड, जिसको भी वाइब्रेशन की दिक्कत आती थी इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो आप इस गाड़ी को बेझिझक ले सकते हो और आप इंजॉय भी कर सकते हो इसकी राइड, तो ये बुलेट बहुत ही बढ़िया है और आपको ये वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा। 349 cc का इसका इंजन है, एयर कूल्ड सिंगल स्पार्क वाल्व 4-stroke और ये इंजन 5-speed मैनुअल के साथ आता है। और इसका पावर है 20 BHP 6000 RPM और इसका टॉर्क है 27 Nm टॉर्क 4000 RPM। तो बहुत ही बढ़िया बुलेट बाइक ही है, आप इसको ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया चलाने में क्रूजिंग कर सकते हो और आपको लॉन्ग राइड कोई कहीं भी राइड करनी है तो ये बुलेट आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये बुलेट और कंपनी ने बनाई है वाइब्रेशन लेस और इसमें फीचर भी अच्छे अच्छे दिए हैं, जो आपको जो चाहिए था वो भी आपको मिल गया है, तो कोई भी इशू नहीं है इस गाड़ी को लेने में। और ये कंफर्टेबल राइड आपको देगी और नीचे यहाँ पे बेस प्लेट दिया हुआ है तो ये बेस प्लेट आप देख सकते हो, तो ये आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा तो शोरूम में वो आपको मिल जाएगा, गाड़ी के साथ नहीं आता। और ये गार्ड भी आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा, वो भी गाड़ी के साथ नहीं आता। और इसमें सिंगल हॉर्न आता है, वो सिंगल ही बहुत ही बढ़िया है, अच्छा हॉर्न आवाज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो हेलो गाइस, आपको पूरा वीडियो आपको अपने गाड़ी का रिव्यू देखा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और साथ हम फिर मिलेंगे, तो इसके लिए गुड बाय।